भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आते ही महाराजा हरि सिंह का कश्मीर फिर से आपके सामने होगा। ये कांग्रेस के लोग, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये पीडीपी के लोग, ये राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। 1990 के दशक कांग्रेस के पाप, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पाप की प्रकाष्ठा को भी हमने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ बर्बर अत्याचार हुए थे। जम्मू कश्मीर की जनता तबाह होती थी, अभाव में ग्रसित थी, और ये लोग यहां के पैसे को लूट करके ऐसो आराम की जिंदगी यूरोप में और इंग्लैंड के अंदर व्यतीत करते थे। पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में अपने भाषण में बाल दिवस को लेकर बड़ी बात कही है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है। आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में इसके अलावा क्या कुछ कहा। क्या नहीं था हमारे जम्मू कश्मीर के पास, क्या नहीं था हमारे पास, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर हम जब बात करते हैं तो सचमुच मुझे उन महान विभूतियों की याद आती है, महाराजा हरि सिंह जिन्होंने पहचान दिलाई थी। महाराजा हरि सिंह का शासन केवल यहीं तक नहीं था, और याद करिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आते ही महाराजा हरि सिंह का कश्मीर फिर से आपके सामने होगा। काबुल तक का शासन महाराजा हरि सिंह के पास था, तिब्बत में डोगरा सेना रहा करती थी। कौन नहीं जानता है पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के प्रति किसके मन में सम्मान का भाव न हो। और जब कबालाई यहां घुस करके तब ब्रिगेडियर हरि सिंह ने तक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने लास्ट मैन एंड लास्ट बुलेट का नारा दिया, भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया था। इतनी महान परंपरा, इतनी महान परंपरा जिसने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाया था, जिन्होंने अपने बलिदान से, अपने लहू से सींच करके इस धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को बनाया था, आज उसे मजहबी उन्माद का जो एक कोण है उसमें बदलने का पाप ये कांग्रेस, ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही किया है। ये पाप करने वाले लोग जब देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, देश के संसाधनों का उपभोग कर रहे थे, उनको सबक सिखाने का चुनाव है ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव, और इसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, परिवर्तन किस रूप में होता है, याद करिए करतार सिंह, करतारपुर कॉरिडोर के बारे में, गुरु नानक देव जी का कॉरिडोर बने, भारत की सिख परंपरा की गुरु परंपरा ने भारत के अंदर भक्ति से शक्ति की जिस यात्रा को आगे बढ़ाया था, गुरु नानक देव जी भक्ति के उस प्रकाष्ठा का नाम था, तो गुरु गोविंद सिंह जी इस भक्ति से पनपी भी शक्ति का एक तेज था। याद करिए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कराया गया, और यही नहीं, बाल दिवस की बात जब देश के अंदर होती थी, बाल दिवस की बात जब होती थी, तो बहनों और भाइयों, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में कांग्रेस ने मनवा दिया। मुझे बताओ, अरे बाल दिवस के रूप में नाम आना चाहिए ना उन लोगों का, गुरु गोविंद सिंह जी से, गुरु गोविंद सिंह जी के चार चार साहबजादों ने जिन्होंने सनातन धर्म के लिए
भारत के लिए सुरक्षा के लिए, भारत को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त करने के लिए गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।